नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार आज पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख नगर पालिका कर्मचारियों के दल दस्ते के साथ नो पार्किंग अवैध अतिक्रमण हटाने की जोर शोर से कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही में नगर निरीक्षक CSP आनंद रॉय, शहर थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव, देहात थाना प्रभारी DVS तोमर, यातायात प्रभारी रणवीर सिंह सिकरवार में फोर्स के साथ उपस्थित रहे। कार्यवाही इंदिरा गांधी चौराहे से शुरू की गई, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर समाप्त हुई। इस कार्यवाही में पैदल चलकर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक दुकानदार को ये हिदायत दी गई कि फुटपाथ पर सामान न रखें, साथ ही वाहन को पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें। हम लोग का चेहरा ये ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रयासरत थे, लेकिन वो व्यवस्था हो नहीं पा रही थी। क्या था, बल की कमी होने के कारण ट्रैफिक वाले प्रॉपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। तो आज CSP साहब और TI देहात और हम और TI अपने ट्रैफिक वाले और नगर पालिका कर्मचारी भी बुलवा लिए थे, तो ये तय किया था कि सभी इकट्ठे होके रोज किनारे जितनी गाड़ियाँ मिलती है जो बेतरतीब खड़ी रहती है उनको गाड़ी में उठा कर ला के कार्रवाई करेंगे जी। इस तरह काफ़ी बाइकें उठा के लाए हैं और जो फालतू सामान लोगों ने रोड़ों पर लगा रखा था उसको नगर पालिका वालों ने कार्रवाई की है। इससे क्या है, उद्देश्य मेन यही है कि मेन रोड जो है वो जाम हो जाता है जी। लोग खुद जाम में खड़े रहते हैं, उन्हें पता है मेरी वजह से जाम लग रहा है, तभी ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में ये उचित समझा कि सभी की गाड़ियां उठा के पहले थाने लाइए, फिर थाने में बैठा लेके आराम से यहाँ कार्रवाई करें, तो थोड़ा उनका टाइम खराब हो, परेशान हो, तो वो आइंदा ध्यान रखे, नियम का उल्लंघन न करे, ट्रैफिक के नियमों का पालन करे। दुकानों के बाहर खड़ी बाइकों को हटाया गया और चलानी कार्यवाही भी की गई। यह अभियान यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले उन लोगों पर होती रहेगी जो दुकान के बाहर फर्नीचर, सीढ़ी, प्रचार बोर्ड आदि लगा देते हैं। साथ ही ऐसे फोर व्हीलर वाहन, मोटरसाइकिल वाहन जो बीच सड़क पर खड़े होकर यातायात बाधे करते हैं, ऐसे लोगों पर निरंतर कार्यवाही होती रहेगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए नीरज यादव की रिपोर्ट।